10 दिसंबर यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट वो अधिकार जो जन्म से ही एक इंसान को जीने के लिए मिलता है। ह्यूमन राइट्स वो हैं जो सरकार के द्वारा जो है एक इंसान को एक नागरिकता के होने का जो है उसे दिया जाता है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर मतलब लड़कियों को अभी भी 10वीं पास करके उनकी पढ़ाई आगे नहीं करवाई जाती, ज्यादा जल्दी शादी करवा देते हैं। हमारे यहाँ कानून है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पूरा। जिन अधिकारों की हम बात करते हैं क्या वो अधिकार हमें मिल पाए हैं? यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में मानव अधिकार के लिए सार्वभौमिक रूप से एक घोषणा की थी। फिर हिंदुस्तान ने अपने भारत में रहने वाले लोगों के लिए अधिकार दिए, लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें मानव अधिकार दिवस मनाना पड़ रहा है? क्या मानव अधिकार मानव को मिल पा रहे हैं? जिन अधिकारों की हम बात करते हैं क्या वो अधिकार हमें मिल पाए हैं? आज हमारी खास पेशकश में इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मानव अपने अधिकारों से कितना परिचित है। अधिकार क्या है? अक्सर अधिकारों की परिभाषा में तो इंसान को जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार उनके जन्म के साथ ही मिल जाता है, लेकिन पिछले दिनों दुनिया भर में हुई घटनाओं ने अधिकारों की परिभाषा पर ही सवाल उठा दिए। क्या वाकई में आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार हमें मिल पाया है? इस सवाल के जवाब में हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण, भारत की बड़ी आबादी शिक्षा से वंचित है, जबकि शिक्षा तो हमारा मौलिक अधिकार है। जरा दुनिया के नक्शे पर नजर घुमाइए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहां, कैसे और क्यों अधिकारों का अपहरण हो रहा है। दुनिया भर में बढ़ती आतंकी ताकतें चुनौती दे रही हैं। पिछले दिनों भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बलूचिस्तान और पीओके के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। आरोप लगे कि वहां रह रहे लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आखिर मानव अधिकारों की लड़ाई किस ओर जा रही है? आइए सबसे पहले ये जाने कि 10 दिसंबर 1948 के मायने आखिरकार है क्या। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए, अधिकारों के लिए जारी हर लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई आवाज देने में इस दिन की अहम भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की, जिसके मुताबिक ये अधिकार मानव की गरिमा है और उन्हें कभी नहीं छीना जा सकता। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से इस बात का आग्रह भी किया था कि इसका न सिर्फ प्रचार प्रसार करे बल्कि इसे अपने अपने देश में लागू करके इसका कड़ाई से पालन करें। 1914 से 1918 यानी पहले विश्व युद्ध के दौरान कई यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को छोड़ तानाशाही की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। आलम यह था कि लोगों को बिना बताए नजरबंद शिविरों में रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ मानव अधिकारों को पैरों तले रौंद दिया गया। आलम यह था कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई और आखिरकार 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स के लिए एक डिक्लेरेशन निकाल दिया। इसके बाद दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए आवाज उठने लगी और लड़ाइयां लड़नी शुरू हो गई। 1993 में भारत ने कानूनी रूप से लोगों को अधिकार दिए, लेकिन तब से लेकर आज तक मानव अधिकारों की लड़ाई लंबी चली आ रही है और कोर्ट में पड़े पेंडिंग मामले ये दर्शाते हैं कि ये लड़ाई अभी और भी लंबी जाने वाली है। दुनिया भर में मानव अधिकारों की जरूरत उस वक्त महसूस की जाने लगी जब पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानव जाति पर अत्यंत जुल्म हुए। लोगों को नजरबंद किया गया, यातनाएं दी गई, सजाएं दी गई। यूरोपीय देशों में मानव जाति पर हो रहे प्रहार ने यह एहसास दिलाया कि इंसानों के भी अधिकार हैं, जिनकी रक्षा करने का दायित्व दुनिया भर के देशों का है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो अशांति फैल गई थी, लाखों करोड़ों मारे गए थे, मानवता का खून हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन डेवलप किया था और उसको याद करने के लिए उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का एक चार्टर ऑफ डिमांड जो बना था, 1 to 30 आर्टिकल्स बने, उसको याद करने के लिए पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं।
आखिरकार 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, जिसके बाद हर साल मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए समूचे विश्व में आवाज उठाई जा रही है। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समता या समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून और एक समान ढंग से उन्हें लागू करना, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, छुआछूत का अंत होगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत बोलने की आजादी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, देश के किसी भी जगह आने जाने की आजादी, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की आजादी, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की आजादी, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसमें जो कहता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगारी और जबरदस्ती कराया गया काम गैर कानूनी है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसे शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो इसमें कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, सिर्फ भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में एडमिशन से रोका नहीं जा सकता। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की पावर दी गई है और इन अधिकारों के लिए आप अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन भारत में कितने लोग अपने अधिकारों से सचेत हैं? क्या भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में लोगों को अधिकार मिल पाए हैं? All the people have right to education, right to speak, right of equality and वो नहीं होता है, फेमिनिज्म नहीं हो सकता है, ना पुरुष प्रधान समाज नहीं होना चाहिए, यही सब होता है बस। आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में मालूम है? हाँ, जैसे इक्वालिटी रहना चाहिए, फिर उसके बाद राइट टू फैटर्निटी और सबको फ्रीडम मिलना चाहिए जो भी हो। हाँ, सबको कास्टिज्म सिस्टम हटाना चाहिए सबसे पहले, तो उससे रिजर्वेशन कहीं कुछ ज़्यादा है कहीं कम है। सेकेंडली थिंग्स, मतलब ये इस बेसिस पे रखना चाहिए, इनकम बेसिस पे। रिजर्वेशन नहीं रखना चाहते? यस, इनकम बेसिस पे होना चाहिए टोटली, जिसकी मतलब कुछ ज़्यादा जो प्योरिटी आ रही है उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको पता है भारत में राइट्स क्या है, हिंदुस्तान में राइट्स क्या है आपके? थोड़े बहुत राइट तो पता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भीमराव अंबेडकर ने लिखे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आई फॉरगेट दैट 6 राइट, बट आई ओनली रिमेंबर 4 राइट्स। नो, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ा मुझे अभी तक। ह्यूमन राइट्स हमारे जो खुद के अधिकार होते हैं, ताकि हमारा कोई शोषण ना करे, उसके लिए होते हैं ह्यूमन राइट्स। मैम अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने कभी, आपको पता है ह्यूमन राइट्स क्या है? नहीं, यू डोंट नो अबाउट ह्यूमन राइट्स? या वी नो। सॉल्यूशन क्या, उनको कैसे रहना है उनको अच्छे से वो भी नहीं पता, तो ये कहना है मेरा। जो लोग होते हैं वो सोशलाइज नहीं हो पाते, अगर वो सोशलाइज नहीं होंगे तो उन्हें राइट्स कैसे पता लगेगा कि मेरा क्या हक है इस कंट्री में और मेरे क्या राइट्स हैं। हिंदुस्तान में अधिकारों की लड़ाई तो अरसे से लड़ी जा रही है। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया, तो 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जब 1993
1945 में देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में 1945 में यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ और भारत उसके मेंबर हुआ 1950 में। 1950 से लेकर अब तक जो 70 साल आज़ादी का हो गया है, लेकिन मानवाधिकार का कहीं उसका सपोर्ट भारत में नहीं मिला। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार क्यों है, क्यों हमें अधिकारों की जरूरत है और क्यों यूनाइटेड नेशन ने अधिकारों पर डिक्लेरेशन किया है, ये तमाम सवाल तब उठते हैं जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं। हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में हम ऐसी कई घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं जहां हमारे और आपके आसपास मानव अधिकारों का हनन होता है, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएँ कब बड़ी हो जाती हैं इसका अंदाज़ा शायद आपको और हमें बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही तमाम केस मानव अधिकार आयोग में पेंडिंग है, जुडिशरी के पास पेंडिंग है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें ना तो अधिकार मिल पाए हैं और ना ही कानून का सहारा। अब सवाल यह है कि जब अधिकार हमारे होने के बावजूद हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो आखिर हमें अधिकार दिलाएगा कौन? दरअसल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम अपने अधिकारों को खुद ही नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे आसपास हम अपनी आवाज़ को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं कि हमें लगता है कि हमारा सरोकार क्या है। सड़क पर पिटता शख्स किसी का अपना नहीं, लेकिन उसके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाता। किसी बुजुर्ग के साथ हो रही बदसलूकी देखकर कई बार हम आंखें मूंद लेते हैं। सड़क पर गरीब बच्चे को देखकर हम सिर्फ अफसोस कर देते हैं और खुद से पूछते हैं कि इसे स्कूल जाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। कहने को बराबरी का अधिकार हमें संविधान से मिला है, लेकिन समाज में चारों ओर नजर घुमाकर देखें तो हम बराबरी के अधिकार से भी अभी तक वंचित हैं। भारत में गरीबी एक समस्या है जिसकी वजह से देश के कोने कोने में लाखों परिवार अपने अधिकारों से वंचित हैं। हिंदुस्तान में कितने लोग अपने अधिकारों से वाकिफ हैं, कितने लोगों ने अधिकार मांगा। आज ह्यूमन राइट्स इसलिए भी मनाना है कि आज ज़्यादातर हमारे 125 करोड़ की आबादी भारत में है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछे कि क्या आप मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं, अगर आप उनसे पूछे कि क्या आप ह्यूमन राइट्स जानते हैं, तो आपको मैक्सिमम जवाब ये मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है। तो ये बड़ी मुश्किल होता है कि हम रोटी कपड़ा मकान बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की का अधिकार को हम ठीक से नहीं जानते और भारत में जी रहे हैं। देश की पढ़ी लिखी आबादी क्या अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, ये जानने के लिए हमने युवाओं से बात की, हमने बुजुर्गों से बात की। कई बार जरूरत से ज़्यादा अधिकार भी लोग, बदमाश लोग भी अधिकार चाहते हैं कि हमें भी अधिकार है। जो गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों को मारते हैं, परेशान करते हैं, वो भी कहते हैं हमको भी मानव अधिकार चाहिए, लेकिन हम उसके हक में नहीं हैं। उनको कानून बनाने चाहिए, सख्त करना चाहिए कानून उसके ऊपर। हमारे यहाँ कानून है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पूरा। अलग अलग जवाब हमें मिले। कुछ युवा तो सिर्फ मौज मस्ती, घूमने फिरने और सड़क पर चलने को ही अपने अधिकार मानते हैं, तो कुछ लड़कियों के लिए अधिकार लड़कों की बराबरी के बराबर है। जो हमारे लिए हमारे लिए राइट्स होते हैं, जो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फॉर बॉयज़ की रात के 12 बजे के बाद वो ड्रिंक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। लड़कियों के लिए अलाउड नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट ना। जो लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ भी कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एजुकेशन लड़कियों को करने नहीं देते थे पहले, अभी तो फिलहाल वो आ गया है। ज़्यादातर फैमिली में लड़कियों को ज़्यादा दूर पढ़ने नहीं देते, ज़्यादा जल्दी शादी करवा देते हैं, तो वो राइट्स अभी तो फ़िलहाल चेंज होते जा रहे हैं जनरेशन वाइज, लेकिन हमें फुल राइट मिलना चाहिए। हमें जितना दूर पढ़ना है, जितना दूर करियर बनाना है। स्कूली बच्चे अधिकारों से कितना वाकिफ है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि यही हिंदुस्तान का भविष्य है, आने वाला कल है। अफसोस यहाँ भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला। नहीं, नहीं पता राइट्स क्या होते हैं, आपको मालूम है राइट्स क्या होते हैं? फ्रीडम्स राइट्स के बगैर में? फ्रीडम्स राइट्स जो है वोट देने का, वो क्या होते हैं राइट्स? ज,
जिसके यानी हमें मत देने का अधिकार रहता है। सबको अपना अपना जो भी विचार है वो पब्लिक के सामने सरकार के सामने रखना चाहिए ताकि उनसे हमें फायदा हो सके, हमारे लिए कुछ करें। आपने कभी अपने राइट्स रखे किसी के सामने, कभी अधिकार मांगा, आपको लगा कि आपका अधिकार? हाँ जी, हमने एक बार मनीष सिसोदिया सर से बात किया था, स्टूडेंट के लिए जो ये बस वगैरह जो है ये रोकते नहीं है बच्चों को, बहुत बच्चे इस वजह से काफ़ी फेस करते हैं, कहते हैं कि किसी ने बनाया ही नहीं है वो, क्या कहते हैं, मालूम है ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं। अधिकारों की सूची में शिक्षा का अधिकार साल 2005 से जुड़ा और लंबी लड़ाई के बाद मिला सूचना का अधिकार, लेकिन शिक्षा मौलिक अधिकार तो बन गया, लेकिन अमल में कितना है ये आज भी हमारे सामने है। देश में शिक्षा के अधिकार के बावजूद एक बड़ी आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है। आर्थिक रूप से असहाय परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे और कहीं कोशिशों की कमी है तो शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसे सरकार ने साल 2010 में अधिनियम बनाया, बावजूद इसके स्कूलों की कमी और कोशिशों के अभाव की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कि गरीब हैं, बेचने दीजिए, खाएंगे जिएंगे कहाँ से, एक तो पैसा बंद हो गया। तो क्या बोलते पुलिस वाले, क्या कहते? पुलिस वाला सीधा बोलते उठा के जाओ, तो यहाँ से उठाते वहाँ बैठते, वहाँ से उठाता यहाँ बैठते। आपने कभी पूछा नहीं कि क्यों हटाते हैं? वो कहता है कि ऐसे बैठना मना है। अच्छा। आपको मालूम है आपके अधिकार क्या हैं? नहीं, आप स्कूल गई हैं कभी? पढ़ाई नहीं, आप पढ़ी हैं, आपको पता है अधिकार क्या है? पता नहीं। हालांकि शहरों में रहने वाली महिला आबादी जागरूक हुई है और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रही है। हमारे जो हम इंडियन सिटीजन्स को या किसी भी सिटीजन को जो राइट दिए जाते हैं इन मतलब सारी फैसिलिटी इंजॉय करने के लिए, वेदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो जो हमारी सहूलियत के दिए जाते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वही ह्यूमन राइट्स हैं। तो आपको लगता है कि जो भारत में अधिकार हैं हर हिंदुस्तानी को मिलते हैं? जी जी बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी को मिलते हैं। एजुकेशनल लेवल पे कुछ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से, मतलब उस दिन हम सभी को एक असलियत में वैल्यू पता चलनी चाहिए, चाहे वो अमीर तबके का हो या गरीब तबके का हो, सभी को ये एहसास होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हम इक्वल हैं इस समाज में। ह्यूमन राइट्स वो हैं जो सरकार के द्वारा जो है एक इंसान को एक नागरिकता के होने का जो है उसे दिए जाते हैं कि वो जो है अपने अधिकार को जो है सही तरह से पालन करे और जो है उसका उल्लंघन किसी भी तरह से ना करे, ताकि हम जो है जो महिलाओं के प्रति जो सम्मान है उसको जो है अच्छी दृष्टि से देखें, महिलाओं के प्रति कोई भी जो है गंदी सोच ना रखें, किसी को अलग ना मानते हुए, जो पहले के टाइम पे था कि स्त्रियों को नीचे दबाया जाता था और आज उनको बराबरी का अधिकार दिया जाता है। अच्छा, आपको लगता है अभी भी महिलाओं को बराबर का अधिकार? नहीं, अभी भी कई जगह ऐसी है, जैसे बहुत सी राजस्थान हो गया और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनको अभी भी अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिल पे हैं, बट अभी दिल्ली में पहले से बहुत बेटर हुआ है, पहले से बहुत है कि बराबरी का अधिकार माना जाता है, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, खासकर लड़कियों के साथ। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर मतलब लड़कियों को अभी भी 10वीं पास करके उनकी पढ़ाई आगे नहीं करवाई जाती, उनसे बोला जाता है कि तुम अब पढ़ लिख कर क्या करोगी, अब तुम सिलाई सीख लो या कुछ भी एक्सेट्रा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक लड़की पढ़ना चाहती है उसको पढ़ने देना चाहिए आगे तक, जितना लड़कों का अधिकार है उतना ही लड़कियों का भी अधिकार है हमारे देश के अंदर। मानव अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद मानव को उसके अधिकार नहीं मिल पा रहे। हमारी जो कोशिश है कि मानवाधिकार पे लोगों को जो है न्याय मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, उनको संरक्षण मिले, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, हमारे जो सिक्योरिटी पुलिस वाले हैं, उनको सबको आज़ादी मिले, उनको बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, जो आज नहीं मिल रहा है। आज हमारे पुलिस भाई भी जो हैं परेशान होते हैं, चूँकि उनको 30-30 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, हम चाहते हैं कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी हो ताकि वो अपने परिवार को भी समय दे सकें। साथ साथ हमारे जो बहुत सारे भाई हैं जो हिंदुस्तान के अंदर जो उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, हमारी महिलाएँ, हमारे बच्चे जो उत्पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। दुनिया भर में मानव अधिकारों के हनन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट से जुड़े हर साल सैकड़ों मामले अदालत में पहुंच रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए आज भी लंबी लड़ाई जारी है। पर मानवता के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, मानव अधिकार को याद करने के लिए हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं, और चूंकि नेल्सन मंडेला
26 साल जेल में रहे थे अफ्रीका में, उन्होंने कष्ट झेला था, गोरे और कालों के लिए लड़ाई लड़ा था। हमारे गांधी जी ने समानता के लिए लड़ाई लड़ा और देश को आज़ाद कराया। तो इन सारी चीज़ों मानवता से जुड़ा हुआ है, चाहे इस्लाम, मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो इस्लाम को पैदा किया, ह्यूमन राइट्स को डेवलप करने के लिए किया था, इंसानियत को पैदा करने के लिए किया था, हमारे क्रिश्चियनिटी, हमारे हिंदुत्व, हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, हमारे जो गुरु ग्रंथ हैं, इन सभी में हर जगह मानवता की बात हो रही है, मानव अधिकार की बात हो रही है, लेकिन उसको कोई लोग नज़रअंदाज कर रहा है। तो उन सारी बातों को लेकर के हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं और भारत में हम चाहते हैं कि ऊँच नीच खत्म हो, जात पात खत्म हो, और जो आज हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बट रहे हैं, जो सांप्रदायिकता एक जो दीवार खड़ी की जा रही है, उनको ख़त्म किया जाए। दुनिया भर में मानव जाति पर हो रहे व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन की घोषणा सिर्फ महज एक दिन बनकर साबित हो गई है। कानूनों के बावजूद अधिकार मिल नहीं पा रहे और ऐसे ही कुछ हाल दुनिया भर का है, जहाँ मानव जाति पर जुल्म और ज्यादती सारी दुनिया देख रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि मानव अधिकार दिवस एक दिन मनाने से क्या इंसानों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, या फिर अधिकारों के लिए हमें एक नई शुरुआत करने की जरूरत है? ये सवाल है और इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं हमारी इस खास पेशकश में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।